हाय फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ नायका हॉट पिंक सेल का हॉल और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक रिव्यू भी करूँगी जो कि है सिस्का हेयर ड्रायर। और ये नायका की ही एक डील थी, हॉट पिंक सेल से ही मैंने उसे परचेज़ किया था और ये वन ईयर बिफोर मैंने लिया था। और इसका जो है, मैं अपना जो वन ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी और अनबॉक्सिंग भी साथ में करूँगी जो भी सामान मैंने अभी ऑर्डर किया है। और 40% तक का डिस्काउंट वहाँ पर मिला था, बहुत अच्छा डिस्काउंट था। स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप पर बहुत अच्छा डिस्काउंट था। और मैं पर्सनली इन सेल्स का बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ क्योंकि इस पर आपकी जो डेली बेसिस पर जो आप सामान यूज़ करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर वहाँ पर मिल जाती हैं। बस आपको थोड़ा सा प्लानिंग से चलना होगा। सो आगे की वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूँगी कि हम किस तरह से इन सेल्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं ताकि हम लोगों का जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो भी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएँ, और अगर हम कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी अच्छे डिस्काउंट पर हमें मिल जाए। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ से ऑर्डर करी थी। ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है जिसे मैं ओपन करने के लिए जा रही हूँ। और ये जो सेल थी ये 26 to 30 November तक चली थी आई थिंक। और ये देखिए, बहुत अच्छे से पैक करके भेजा है, जैसे आप देख सकते हैं। नायका से कभी भी मुझे इस चीज़ की शिकायत नहीं रही है, हर सामान बहुत अच्छे से पैक होकर आता है। ये मेरी कुछ डेली यूज़ की चीज़ें हैं जिसमें ये ईयरबड, पैंटी लाइनर, वेट वाइप्स और मेरी सनस्क्रीन है। तो ये सब चीज़ें हालांकि अभी मेरे पास थोड़ी रखी हुई थी, बिल्कुल नहीं ख़त्म हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से ऑर्डर कर लिया क्योंकि मेरे पास एक स्टॉक होना चाहिए इन सब चीज़ों का। ये बहुत यूज़फुल होती हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए घर में। तो इन सब चीज़ों की आप एक लिस्ट बनाकर अपने पास रख सकते हैं जो कि आप सेल में बहुत अच्छे डिस्काउंट पर आप इसे आराम से परचेज़ कर सकते हैं। तो इस सब सामान के साथ ये L18 की लिपस्टिक है जो कि मेरा एक फ्री गिफ्ट है। और इसका कलर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल डार्क पिंक कलर है। मुझे ये ज़्यादा कलर पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं इसे एज अ ब्लश यूज़ कर सकती हूँ और फिर भी ठीक है, फ्री गिफ्ट के हिसाब से अच्छी है। और इसके बाद आप ये देखिए, ये बिल्कुल खाली हो चुका है। अब मैं अपना सेकंड बॉक्स जो है उसे ओपन करने जा रही हूँ। अगर आप प्लानिंग से चलेंगे ना तो उसका फ़ायदा ये होगा, जैसे लास्ट ये आई थिंक जुलाई में ये सेल हुई थी, उसमें मैंने जो भी सामान, शैम्पू और काफ़ी कुछ सामान मैंने अपना मंगवाया था, तो अब ये 3-4 महीने के बाद हुई है, मैंने अभी तक कोई भी चीज़ नहीं ली है। और अब मैं ये जो मैंने परचेज़ किया है इसके अलावा अब नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आपको थोड़ा प्लानिंग से चलना होगा और इन सेल्स का आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप ये देखिए, मेरा ये सेकेंड बॉक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शैम्पूज़ हैं। तो ये 2 शैम्पू हैं। फर्स्ट शैम्पू जो है वो इंदुलेखा शैम्पू मैंने ऑर्डर किया था, उसके अलावा मामा अर्थ का अनियन शैम्पू ऑर्डर किया था। इसका रिव्यू मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये मामा अर्थ की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो मुझे इसके साथ शैम्पू के साथ फ्री मिली है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसकी, 200 ml है। मैं इसे यूज़ करूँगी और देखती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, फिर मैं आपके साथ इसे शेयर करूँगी। इसके अलावा ये मेरा फेस वॉश है और ये बायोटेक का बायो नीम फेस वॉश है। ये फेस वॉश भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो इसे एक बार यूज़ कर ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर ये मैं अपना थर्ड बॉक्स जो है उसे ओपन करने जा रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सैनिटरी नैपकिन्स हैं, ये विस्पर का पैक है और इसमें 50 pads हैं। और इसके अलावा जो मैं यहाँ पर बहुत ही इंतज़ार कर रही थी जिस प्रोडक्ट का, वो है ये ब्रॉन्सन का प्रोफेशनल स्माइलिंग फुट एंटी क्रैक सिलिकॉन सॉक्स। और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करना चाह रही थी और मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट पर ये यहाँ पर अवेलेबल हो गया है और मैं इसे यूज़ करूँगी और फिर अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने इसे यूज़ कर रखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे थोड़ी सी भी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जस्ट टू रिमाइंड यू, मेरे चैनल पर आपको ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, DIYs मिलेंगे, होम रेमेडीज़ मिलेंगी। तो ये सब देखने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये मेरा फाइनल लास्ट बॉक्स है और ये छोटू सा बॉक्स था, बट जितने भी बॉक्सेस थे सबसे ज़्यादा हैवी था। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये ब्यूटी टूल्स ऑर्डर करे थे जिसमें ये वेगा का नेल बफर है और ये फेशियल वैक्स स्ट्रिप्स हैं, हिप हॉप की हैं, और उसके अलावा वेगा का ही नेल फाइलर है और पेडिक्योर टूल है, ये मल्टीपर्पज़ पेडिक्योर टूल है, और ये बेला के कॉटन पैड्स हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं, आप इसे लेकर ज़रूर देखिएगा और यूज़ करिएगा।
और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फेस रेजर्स हैं, तो ये 3 फेस रेजर्स हैं, इनके सबके प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, ये ब्लू हेवन का ये मेकअप स्टिक है और ये काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस पर मिली है, तो मैंने इसे जस्ट यूज़ करने के लिए इसे मंगाया है। और ये मेरा फेवरेट काजल है, काजल के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, तो मैं मोस्टली मेरे पास हर ब्रांड का काजल है और जब भी कुछ ऑर्डर करती हूँ तो काजल उसमें एक ज़रूर होता है, तो ये काजल है। इसके अलावा मेरा यहाँ कंसीलर जो है वो ख़त्म हो गया था, होने ही वाला था, तो ये कंसीलर मंगवाया मैंने, मेबेलिन का है, लाइट शेड में है, तो ये कंसीलर है। इसके अलावा जो है मैंने कुछ नेल पेंट्स भी ऑर्डर करे थे, ये फेसेस कनाडा के ब्रांड के हैं और यहाँ पर बस थोड़ा सा एक ये हो गया कि ये 2 शेड्स मुझे एक से मिल गए, बट कोई बात नहीं, मुझे न्यूड शेड्स पसंद हैं तो मैं इन दोनों को यूज़ कर लूँगी। इसके अलावा ये ग्रीन एंड पर्पल कलर में है, तो इसका भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में ज़रूर इनके कलर्स आपको दिखाऊंगी। तो बस ये देखिए मेरे बॉक्स बिल्कुल खाली हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने सारे प्रोडक्ट्स वहाँ से ऑर्डर करे थे और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो यूज़फुल ना हो। और आप भी इसी तरह से अपने सेल्स में अपनी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उनकी लिस्ट बनाकर आप उन्हें मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा जो है उसे बचा सकते हैं। गाइज, इसके अलावा मैं यहाँ पर आपके साथ एक रिव्यू भी शेयर करने वाली हूँ। ये नायका की ही एक डील थी जो मैंने 1 ईयर बिफोर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1 ईयर बिफोर मैंने इसे परचेज किया था। ये सिस्का हेयर ड्रायर है और इसके साथ मुझे ये 2 लिवॉन की बॉटल्स मिली थी, ये 100 ml की बॉटल्स थी। यहाँ पर आप इसके प्राइस देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बॉडी दिखा देती हूँ कि किस तरह का है। ये देखिए, ये इसकी ब्लू कलर में है और बहुत कॉम्पैक्ट सा है, छोटा सा है। अगर आप दूसरे ब्रांड्स के ड्रायर से, हेयर ड्रायर से इसे कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा है और इसकी यही एक अच्छाई है कि आप इसे इजीली कहीं भी कैरी कर लेकर जा सकते हैं और डेली यूज़ में बहुत अच्छा है। और ये 2 ईयर्स वारंटी के साथ आता है, मेड इन कोरिया है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसमें ये 2 इसकी स्पीड सेटिंग्स यहाँ पर हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी स्पीड जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये तो इसके फीचर्स हो गए, अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1 साल पहले लिया है, एंड गाइस मैं कंटिन्यूसली 1 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ और आप अभी भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एकदम आपको नया लगेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर का एक एक मेंबर इसे रेगुलरली यूज़ करता है और अगर ये नेक्स्ट टाइम अगर किसी सेल में ये आता है तो आप इसे ज़रूर लीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है। और 500 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा हेयर ड्रायर, उसके साथ साथ ये लिवॉन की बॉटल्स तो मैं बहुत पहले ही यूज़ कर चुकी थी, वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी, बट ये अभी भी मेरा चल रहा है एंड आई एम इन लव विद दिस ड्रायर और हाईली रिकमेंडेड है। और अगर आप इसे ऐसे भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नायका से ले सकते हैं। वैसे नायका पर अभी मैंने रिसेंटली चेक किया था तो वहाँ पर ये आउट ऑफ स्टॉक था, तो आप नेक्स्ट टाइम इसे अगर ये इन स्टॉक होगा तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा हेयर ड्रायर है और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है इसके साथ। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही और इसके अलावा ब्यूटी टिप्स एंड DIYs के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।